Hello friends, welcome to ATP Edu Ramban. Now we are studying exercise 1.2 of class 8 NCERT syllabus. Now our first question is, represent these numbers on number line. First question is 7 upon 4. 7 upon 4 को हम number line पे कैसे represent करें यार, हम लोगों ने तो सीखा था 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, उसको तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर तो 7 upon 4 आ गया, आप कैसे करें यार। चलिए मैं बताता हूँ, इसको पढ़ने से पहले आप तीन केस पढ़ लीजिए इसके, मैं बताता हूँ क्या है। जब when denominator is greater than numerator होगा तब, इसका मतलब इससे हम लोग समझ जाएंगे कि जो नंबर है जीरो और वन के बीच में लाई करता है। ओके, ये हमारा केस वन था। केस टू, केस टू में जब न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर होगा तो इसका मतलब है कि वन, ये रिप्रेजेंट करेगा कि हम वन पे हैं। देखें, मान लीजिए 5/5 है, 9/9 है, 6/6 है, काट दिया, आंसर है सबका 1, 1, 1 आ रहा है। अब केस थ्री, अवर केस थ्री इज दैट व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तब हम उस नंबर को, उस फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 11/5, इसको जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर है और डिनोमिनेटर स्मॉलर है, तो इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या आएगा, 2 whole 1/5, 5 2 10 + 1 11/5, सही। अब ये जो 2 आया है ये बता देगा कि हम जो नंबर है 2 और 3 के बीच में लाई करता है, तो यहाँ नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में, ये अपना 2 या 3 अंकल भैया, ओके 2, 3। अब ये डिनोमिनेटर में 5 है, इसको हम लोग ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो इस पार्ट को 2 और 3 के बीच में हम लोग इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। आइए करते हैं, हो गया 5 पार्ट्स में डिवाइड, 1, 2, 3, 4, 5। आइए देखते हैं फिर, अब हो जाएगा ये 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ओके। अब यहाँ पे ये आ गया अपना 1/5 आ गया, तो रिप्रेजेंट हो गया 1/5, मतलब यहाँ पे अपना आ गया क्या था, 11/5, ओके समझे। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ओके। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 7/4, इसमें हम लोग का केस नंबर 3 लगेगा यहाँ पे, क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर स्मॉलर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ओके। तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 whole 3 upon 4, ओके। तो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी उससे, तो यहाँ पे 1 है, ये रिप्रेजेंट कर देगा कि ये नंबर जो 1 के और 2 के बीच में लाई करता है, इसलिए नंबर लाइन बनेगी 1, ये 2। 4 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर देगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो 1 और 2 है
इसको हम लोग फोर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 और फोर पार्ट्स। ओके यहाँ पे अपना 1/4 2/4 3/4 आ गया 3/4 यहाँ पे भी आ रहा है 1 और 2 भी। इसका भी कोई काम नहीं है, सिर्फ इतना देखेंगे 3/4 आ रहा है। इसका मतलब है दिस पॉइंट यहाँ पे हम लोग का 7/4 आएगा। ओके गाइस इतना समझ में आया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 5 -5/6। यहाँ पे क्या है -5/6। इसमें कौन सा केस लगेगा? इसमें लगेगा केस नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर स्मॉलर है और डिनोमिनेटर ग्रेटर है। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ओके यानी कि ये बता देगा कि ये जो नंबर है 0 और 1 के बीच में, जब हम लोग इसे कंपेयर करेंगे तो सिर्फ इतने नंबर कंपेयर करेंगे। ये माइनस आइनस कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे, ना माइनस ना प्लस या इंटू सब कुछ नहीं चलेगा। यहाँ चलेगा सिर्फ ओनली नंबर। तो यहाँ पे 5/6 देखेंगे, इसमें जो है इसमें न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर ग्रेटर है, इसलिए हम इसे केस नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। ओके सो अब देखते हैं यहाँ माइनस भी है तो 0 और 1 के बीच में माइनस तो आता नहीं, तो गलत बता रहा हूँ मैं, है ना? 0 और 1 के बीच में माइनस तो आता ही नहीं, तो सिंपल सी बात है इसको हम लोग 0 और -1 के बीच में करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि 0 और 1 के बीच में हो, 0 और -1 के बीच में भी हो सकता है। इसलिए नंबर लाइन बनेगी वापस 1 0 0 इट्स -5 6 है डिनोमिनेटर में, क्या है 6। ये रिप्रेजेंट क्या करेगा कि जो नंबर लाइन है ये 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कब तक डिवाइड? 1 2 3 4 5 6 6 पार्ट में डिवाइड हो गई है। ओके नेमिंग करते हैं और इसको हम लोग इधर से इधर करेंगे, दिस साइड टू दिस साइड, नॉट दिस साइड टू दिस साइड। -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6 आपको भी आगे क्या आना चाहिए? -6/6 कट गया, आंसर आ गया -1 -1 है। अब ये जो 5 है -5/6 मिल गया हम लोग को, यहाँ पे जो ये पॉइंट आ गया हम लोग का -5/6 रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे। देख लीजिए पॉइंट, इसका कोई नाम दे दीजिए, पॉइंट ए नाम मिल आप इसको नेमिंग करके इसका नाम ए कर दीजिए, लिखिए सिंस पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स -5/6 ऑन नंबर लाइन। ओके लेट्स प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना यार इस चैनल को। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्या है। Our second question is that represent -2/11 -5/11 -9/11 on number line. -2/11 -5/11 -9/11 तो उसमें कौन सा केस लगेगा? क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे हम लोग केस नंबर 1 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे न्यूमिनेटर स्मॉलर है। ओके केस नंबर 1 लगेगा तो यहाँ पे 11 है तो केस नंबर 1 में क्या बताया था मैंने आपको कि ये जो नंबर है वो 1 से 0 के बीच में या 0 से 1 के बीच में आएगा, लेकिन ये माइनस में है तो आएगा 0 से -1 के बीच में। तो नंबर लाइन बनी भैया -1 से 0 यहाँ पे
डिनोमिनेटर में तीनों में 11, मतलब इस नंबर लाइन को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 11 पार्ट्स में, 11 पार्ट्स। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, एक और रह गई। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन। नाउ हम लोगों ने 11 पार्ट्स में इस नंबर लाइन को डिवाइड कर दिया है। चलिए आइए लिखते हैं, माइनस वन अपॉन अलेवन, माइनस टू अपॉन अलेवन, माइनस थ्री अपॉन अलेवन, माइनस फोर अपॉन अलेवन, माइनस फाइव अपॉन अलेवन, माइनस सिक्स अपॉन अलेवन, माइनस माइनस सेवन अपॉन अलेवन, माइनस एट अपॉन अलेवन, माइनस नाइन अपॉन अलेवन। अगली तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले माइनस टू अपॉन अलेवन को देखना है। माइनस टू अपॉन अलेवन हम लोग को मिल गया, इसको नाम देते हैं पॉइंट पी। ठीक, माइनस फाइव अपॉन अलेवन मिल गया, लो भैया यहाँ पे भी कर दो, नाम दिया पॉइंट पी आर, चलो क्यू दे देते हैं इसको, ओके। और यहाँ पे फिर है नाइन, माइनस नाइन अपॉन अलेवन फिर मिल गया, नाम दिया आर, ओके। मतलब हम लोग को तीनों पॉइंट नंबर लाइन में मिल गए हैं। हम लोग क्या लिख देंगे, सिंस पॉइंट पी क्यू आर रिप्रेजेंट्स माइनस टू अपॉन अलेवन कॉमा माइनस फाइव अपॉन अलेवन कॉमा माइनस नाइन अपॉन अलेवन रेस्पेक्टिवली, ओके। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, राइट फाइव रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन टू। कोई पांच रैशनल नंबर लिखने हैं जो कि टू से पहले आते हैं, ओके। मतलब स्मॉलर देन टू में, अब आप इंटीजर, मतलब सॉरी रैशनल नंबर तो आप पढ़ ही चुके होंगे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में, तो मैं आपको सीधा यहाँ पे बता ही देता हूँ। इसको इरेज करते हैं, तो स्मॉलर तो यहाँ पे हमारा वन अपॉइंट टू हो गया, एक जीरो भी छोटा है, माइनस वन भी है, सिर्फ वन भी है, माइनस टू भी है, सब छोटे होगा इसमें क्या, ओके। हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया सॉल्व, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। अब क्वेश्चन नंबर फोर इज, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन माइनस टू अपॉन फाइव एंड वन अपॉन टू, ओके। सो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि सबसे पहले लिख लेते हैं माइनस टू अपॉन फाइव और वन अपॉन टू। सो हम लोग इसमें करेंगे, पहले सबसे पहले इन लोग का डिनोमिनेटर हम लोग को बराबर करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो ये करते हैं, तो हम लोग इसको इस वाले नंबर, जो जो डिनोमिनेटर होगा दूसरे वाले नंबर का, उसको फर्स्ट वाले नंबर से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेम इसके साथ भी वही होगा, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइए करते हैं, यह है माइनस टू अपॉन फाइव इंटू टू अपॉन टू, इसको इससे इंटू, इसको इससे इंटू, ओके। सेम इसमें वन अपॉन टू इन वन इंटू फाइव इंटू वन इंटू फाइव, ओके। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस फोर अपॉन टेन, इसको फाइव अपॉन टेन। अब आप इसे गिन के देख लीजिए, इसमें हम लोग को टेन रैशनल नंबर्स निकालने हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड, इसमें लिखा है फाइंड टेन रैशनल नंबर्स बिटवीन माइनस टू अपॉन फाइव एंड वन अपॉन टू, ओके। लेकिन उसमें इसमें आप गिन लीजिए, टेन नहीं होंगे इसमें, देखो माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री टू वन
1, 2, 3, 4, 5 में 80 हो पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सपोज हम लोग इसको 10 से करते हैं, और दोनों में होगा इधर भी, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 into 10 upon, sorry, minus 4 upon 10 into 10 into 10, same 5 into 10 upon 10 into 10, यहाँ पे हो जाएगा -40 upon 10, यहाँ हो जाएगा 50 upon 100, सॉरी यहाँ 10 नहीं होगा, यहाँ पे भी -40 upon 100 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा ना अभी। तो अब आप गिनिए, इसमें बहुत इसमें तो अब 10 से भी ज़्यादा आ जाएंगे, तो लिखते हैं यहाँ पे, इसे इरेज करते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पे आ जाएगा, क्या आया तुम लोग का, -40 upon 100, और इस वाले में आया था 50 upon 100 मेरे ख्याल से। सर ये आया था ना, इसके अंदर बहुत मिल जाएंगे, देखते हैं क्या कितने मिल रहे हैं। रैशनल नंबर्स 10 रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन -2 upon 5 and 1 upon 2 आर कितने होगा, -39 upon 100 हो जाएगा, हो जाएगा -38 upon 100 कॉमा -37 upon 100। ओके, सो ऐसे ही बहुत सारे हो जाएंगे। ओके चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है अपना क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन, इसका फर्स्ट पार्ट 2 upon 3 and 4 upon 5। ओके Two upon 3 and 4 upon 5, वैसा ही है बिल्कुल। ये भी इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे, तो 2 upon 3 into 5 into 5 और 4 upon 5 into 3 into 3, 10 upon 15, 4 3 5 3 4 3 अपना 3 12 हो जाएगा, 5 3 अपना 15 हो जाएगा। अब कितने रैशनल नंबर निकालने, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, देखते हैं कितने रैशनल निकालने हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, सॉरी हाँ 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस नंबर। हाँ देखें भैया, दो ही मिल रहा है, अब तो वापस इंटू कर लेते हैं क्या। वापस 10 ही का कर लेते हैं, चलो 5 का कर लेते हैं, 50 upon 75 70 5 60। ओके अब हम लोग को यहाँ मिल गए 5 रैशनल नंबर्स, इसके बीच में कौन कौन से मिल जाएंगे, 51 upon 75, 52 upon 75, 53 upon 75, इसको थोड़ा आगे लिख देता हूँ मैं, कितना आ रहा था 60 upon 75, ये अपना 54 upon 75, 55 upon 75, 56 upon 57, 58, 59,
75 75 75. हमें तो अभी सिर्फ 5 चाहिए. हम लोग को मिल गया 5. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. अब इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप खुद करके देखिएगा. ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइए, मैं आपको अगली एक्सरसाइज के एक्सप्लेनेशन में आपको उसका आंसर बता दूंगा. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2. रैशनल नंबर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, बिल्कुल सेम नंबर सेम क्वेश्चन है. आई होप ये भी आप कर लेंगे, इसलिए आप इसको भी मैं छोड़ देता हूँ. आप इसको खुद करिएगा, ना आए तो मुझे बताइएगा. ओके चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ओके फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 3/4. ओके इसमें 3/5 and 3/4 दिया गया है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको बिल्कुल वही उसी का सेम क्वेश्चन है, 3/5 and 3/4. सबसे पहले हम लोग इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ से न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर दोनों से डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 3/5 into 4/4, 3/4 into 5/5, 3/4 = 12/20, 15/20. कितने चाहिए हम लोग को? 5 रैशनल नंबर चाहिए, उसमें 3 है. वापस किसी का हम लोग उसमें चलो 3 का कर लेते हैं, 20 into 3/3, 15/20 into 3/3, 12 3 = 36/60. यहाँ पे 45/60. हम लोग को यहाँ पे 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो 5 नंबर मिल जाएंगे. कौन कौन से मिलेंगे देखते हैं. 37 38 39 40 41 42 43 44 upon 60 60 60 हो गया. ओके हम लोग उसमें 5 चाहिए, 5 मिल जाएंगे, क्योंकि मैं 37/60 38/60 39/66 40/60 41/60. ओके फाइन हो गए. सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होती है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर ये अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं अपने नए वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. थैंक यू.